कभी मेरी बहन से पूछा कि उसे क्या पसंद है? और अगर लड़की हुई तो उसका नाम यार शाजिया रखना। अगर लड़की हुई तो उसका नाम सूफियाना रखूंगा। सूफियाना? छुटकी बेवा हो गई पंडित, उसका बच्चा पैदा होने से पहले यतीम हो गया। क्या कहूंगा अपनी बहन से? हाँ छुटकी, छुटकी मैंने ओमकार को बचाने की बहुत कोशिश की, ये कहूंगा कि वहां वो तीनों ओमकार को नोचते रहे और हम सब यहां हाथ में बंदूक के लिए सोचते रहे, सिर्फ सोचते रहे। एजाज, मैं जानता हूं कि कहना आसान है और करना बहुत ही मुश्किल, लेकिन तेरी बहन को दिलासा तुझको ही देना है। दिलासा देना कैसे? कमबख्त यही तो नहीं पता। और ये भी तो नहीं कह सकता ना कि वो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गया। सुंदरबन डायरीज डे 21। हम कब तक इस खूबसूरत वन को नोचते रहेंगे? इट इज ओनली इफ वी सरेंडर टू द अर्थ्स इंटेलिजेंस कुड वी राइज अप रूटेड लाइक द ट्रीज। पानी की सिर्फ 3 बोतलें। डैम इट, हथियार। डैम सर जी, मोने होचे हम लड़ नहीं पाएंगे सर जी। श्योति बोल जी, हमें बस लौट जाना चाहिए। शट अप मधु, यू ब्लडी सिविलियन। जब तक मैं उस टाइग्रेस को नहीं मार देता ना, ना मैं यहां से जाऊंगा और ना ही मैं खुद मरूंगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? होश में काम करो पंडित। मधु जो कह रहा है वो गलत नहीं। झुंपा मुझ पे क्या बीत रही है तुम नहीं समझ पाओगी, इसलिए चुप रहो तुम। क्या मैं नहीं समझ पाऊंगी? पंडित, तुम्हारा तो सिर्फ भाई मरा है। यहाँ के टाइगर्स ने तो मेरे बाबा और भाई दोनों को खत्म कर डाला। मैं नहीं समझूंगी? समझ तो तुम नहीं रहे हो पंडित। ये तुम्हारे लोग मरे हैं तुम्हारी वजह से। ना तुम अपनी भाई की मौत का बदला चाहते, ना तुम इन लोगों को यहां बुलाते, और ना ही कश्मीरी सीजे की जान जाती। अब भी वक्त है, भूल जाओ तुम्हारा। झुंपा, तुम निस्सहाय थी, तुम निहत्थी थी, और तुम में बदले की भावना नहीं थी। यही तो फर्क है इंसान और जानवर में। तुम्हारे पास जुबान है, बोल सकते हो, पूछ सकते हो। वो बागन क्या करती? उसे तो सिर्फ इतना ही समझ में आया था ना कि उदय उसके बच्चे को उससे अलग करके अपने साथ ले गया, और इसीलिए उस मां ने अपने बच्चे की खातिर। मेरा फैसला अटल है,
उस टाइग्रेस को मारे बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगा। कैसे? तुम तो उसे नहीं देख पा रहे, लेकिन वो तुम्हें देख रही है। तुम तो उसका शिकार नहीं कर पाए, लेकिन उसने हमारा शिकार करना शुरू कर दिया है। पंडित, अब तो शिकारी खुद शिकार बन चुका है। सही कहा तुमने, हम उसे नहीं देख पा रहे, लेकिन वो हमें देख रही है। हम उसका शिकार नहीं कर पा रहे, पर उसने हमारा शिकार करना शुरू कर दिया है। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। Guys, I've got a plan. जहां पे उम्मीद सबसे कम थी, उसने हम पे वहीं पे हमला किया। इससे पहले हम कुछ कर पाते, उस पे अटैक कर पाते, वो उसके नाल में कूद के बच निकली। सुंदरबन की केनाल उसकी सबसे बड़ी ताकत है और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, और हमें इस कमजोरी को ताकत में बदलना है। इस पर शिकारी शिकार करेगा। हीरो, तुम मधु और झुंपा के साथ बोट पे तैयार रहना, क्योंकि अगर इस बार भी वो स्ट्रैप से बच निकलने में कामयाब हुई तो वो केनाल की तरफ आएगी। जस्ट शूट एट साइट। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो टाइग्रेस हम पे हमला करने आएगी? क्योंकि इस बार कोई इंसान नहीं, उसके जज्बात उसका बेट बनेंगे। लेकिन कैसे? ए जंपिंग झुंपा। हाँ, तेरी कोई बहन है क्या? नहीं।
छुपी। तेजी से उतर रहा है। अगर इस वक्त हम यहाँ से निकलकर बड़े कनाल में नहीं गए तो 6 घंटे के लिए हम यहीं। Everybody on the boat now. Yeah, phas gayi puri tarah. Pandit, main try karu. सुंदरबन में खारे पानी के सबसे बड़े मगरमच्छ होते हैं। पता नहीं या किसी ने बताया नहीं। सूफी, हाउ इज ही डूइंग? आखिरी मॉर्फिन का इंजेक्शन था, इससे दर्द कम होगा इसका, लेकिन इसका इलाज जल्दी नहीं हुआ तो। बाघिन अभी भी इसी इलाके में घूम रही है पंडित, सोच लो, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा उसे मारने को। मधु, तुम इतने कम पानी में बोट चला लोगे? ट्राई कर सकता है दादा, ये धीरे धीरे छोटा कैनाल क्रॉस हो गया ना तो आगे बड़ा कैनाल आसानी से मिल जाएगा। थोड़ा मुश्किल है लेकिन ट्राई करेगा ना। ओके गो। हाँ। थोड़ा हेल्प आजा। नहीं 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 नहीं। ओए मधु संभल। उड़ी पापा क्या हुआ? अटकी सचिव, मेरा डीजल पी गया, सारा डीजल पी गया। बीरा, सचिव, अरे छोड़ी इसको, छोड़ी से, छोड़ी बीरा। पूरा का पूरा पंडित, अब यहाँ से निकलेंगे कैसे?
यहां से बाहर निकलने का और कोई रास्ता है? हाँ, देखो अब हमें जंगल को पार करके बड़ी नदी तक पहुंचना होगा। वहां से हमें कोई मच्छीमार की नाव मिल सकती है। लेकिन याद रखो, हम इस वक्त बाघ के इलाके में हैं। यहाँ के हर मोड़ पर खतरा है। पंडित, तुम लीडर अच्छे हो। वापस जाने का सोचा सही किया, वेरी गुड। लेकिन ये लड़की तुम्हें जिस दिशा में ले जाएगी गलत है, नॉट गुड। इंतजार किस चीज का कर रहे हैं हम? जपा, तुम रास्ता बताओ। हाँ। गाइस, लेट्स गो। लेट्स गो। सूफी, जॉन। कुछ मदद करो। ध्यान से। चलो की मूविंग जीना। क्या हुआ? क्या हुआ? सूफी, पानी, पानी, पानी। सूफी, पानी दे। यहाँ पे कहीं पानी मिलेगा? सिर्फ खारा पानी। सुंदरवन में वही जिंदा रह सकता है जिसे खारे पानी की आदत हो। पंडित, पंडित हमें जल्दी चलना चाहिए। ओके, लेट्स गो गाइस। विच वे? लेट्स गो, मूव मूव। सूफी संभाल के। रुकना पड़ेगा। सूफी, केयरफुल। या, बैठा। पैर सीधा, पैर सीधा, पैर सीधा रख। सूफी, आराम से। हीरो, रिलैक्स हीरो। सांस ले, सांस ले। ब्रीद, ब्रीद, ब्रीद। डैम इट। पंडित का बहुत खून बह चुका है। इसे बहुत जल्दी यहाँ से निकालना पड़ेगा। सूफी, कम से कम इसे पानी पिला। पंडित, let's carry on, let's get out of this jungle, यार। हीरो, हीरो, मैं भी बहुत थक चुका हूँ, थोड़ी देर रुक जाते हैं। Are you sure? Yeah. You sure, पंडित? Yeah. ओए हीरो, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा तुझे। झुंपा, और कितनी दूर जाना है? इस इलाके को अच्छी तरह नहीं जानती हूँ, लेकिन अगर हम दक्षिण दिशा में जाएंगे तो थोड़ी देर में बड़ी नदी मिल ही जाएगी। तुम्हें पक्का मालूम है?
नहीं दादा, इनको मारना सबसे बड़ी गलती होगी। ये जोड़ी के सांप हैं, साल में एक बार यहाँ इकट्ठा होते हैं। इस दौरान वो अपने साथी को खोजते हैं और उनका मिलन होता है। अगर हम इन्हें नहीं छेड़ेंगे तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। हमें बिना किसी चीज को छेड़े यहां से जल्दी चलना चाहिए। पंडित, भीरा के बैग में ये। अभी नहीं सोफी, और हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। चलो चलो चीरा चीरा आजा, लेट्स गो। झुम्पा,
पुरानी औरत की तरह मुंह बना के क्यों खड़ी है? अरे इसमें तेरी गलती थोड़ी है, हैं? अरे तुझे थोड़े ही पता था कि ये रास्ता गलत है, हैं? बोल, अरे तुझे थोड़े ही पता था कि सूफी साहब मर जाएगा? नहीं पता था ना? पंडित, बोला था ना, सुंदरबन मिशन में दिल की सुनना नॉट गुड, दिमाग का सुनना वेरी वेरी गुड। चंपा, यहां से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। चंपा, यहां से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। चंपा, 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 होश में आओ, यहां से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। मैं कैसे? ऐसा तो कभी नहीं होता। क्या? सब मेरी वजह से। कैसी बातें कर रही हो चंपा? सब तुम्हारी कोई गलती नहीं है चंपा। चंपा, ये बातें बाद में करेंगे, पहले ये बताओ यहां से बाहर कैसे निकलें। चंपा प्लीज। पंडित, उसे कुछ पता नहीं है जंगल के बारे में, किसी को कुछ पता नहीं है जंगल के बारे में। मुझे पता है, एक रास्ता है यहां से जिंदा निकलने का, और वो मुझे पता है। पंडित, पंडित, हम सबसे ज्यादा धीरज जंगल के बारे में जानता है, हमें उसकी सुननी चाहिए। सर जी, ये भीरा सही आदमी नहीं है। सर जी, सर जी, इस पे विश्वास करना गलत होगा। सर जी, सर जी, सांप से भी ज्यादा खतरनाक है, हम सबको डर जाएगा। सर जी, शोधती बोल चिक्का सा एक चिरकुट तो कबारन कर ची ना। भीरा, बहुत हो गया। चीना, तुम्हारी गन में कितना एमओ है? खाली। पिस्टल? ये भी खाली है। हीरो, भीरा, अगर इस बार तुमने कोई होशियारी की ना, तो तेरी मुलाकात मैं इस 9 mm की 12 गोलियों से करवाऊंगा। और वो मीटिंग 3.5 सेकंड में खत्म हो जाएगी। Let's move. मधु, उठो ए, चल। वीरा में कहाँ लेके जा रहा है? कहाँ गया? अभी तो था यहाँ। वीरा, 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 ओए वीरा, तू हमारे साथ क्या आंख में चोली खेलने के लिए आया यहाँ पे? वीरा, बकवास बंद कर और रास्ता बता। तो चलो ना, आप लोग चलो, सामने है बड़ी नदी, चलो। भीरा कहाँ गया?
गया, भाग गया साला। सर जी गड़बड़, सर जी सर जी। चिरा की मूविंग, चलो। दादा इंजन, सर जी इंजन, सर बड़ा कैनाल इधर ही है सर जी, जल्दी जल्दी ताड़ ताड़ी, जल्दी जल्दी दादा, दादा बोट, चलो 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 चलो। जुपा, ये क्या देख रही है? बीरा हमें मौत के कुएं में लाया है, इस वक्त हम बाघ के घर में हैं। सर जी अभी भी स्ट्रॉलर का आवाज आ रहा है, बड़ा कनाल दूर नहीं, हम पहुंच जाएंगे सर जी, नहीं तो पंडित हम सब कसम मारे जाएंगे। लेट्स गो, चल पंडित, चल 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 चल, चुपा चल। बाघ के शिकार पर तो तुम लोग आए थे, तुम लोग, और जब मैंने पहली बार बोला हाथ मिला लो तो मेरी बात क्यों नहीं सुनी? अरे क्यों नहीं सुनी मेरी बात? मीरा अब कान खोलकर सुन लो पंडित, यहां से निकलने का एक रास्ता हमेशा के लिए था, है और रहेगा, और वो इस बाघिन को मारकर, इसे इसे इस बाघिन को मारकर
सर जी, ट्रॉलर जा रहा है और ये पकड़ लो, इसे पकड़ो और खत्म करो इसे। अपना मिशन पूरा करो और फोटो खींचो और वापस लौट जाओ अपने शहर में अपनी जिंदगी बिताने। चीना, तुम इन सबको लेके जाओ। मधु, रास्ता दिखाओ। झुम्पा। नहीं दादा, मैं तुम्हें ट्रॉलर में मिलता हूं, चल मध्या। इसने तेरे लोगों को चुन चुन करके मारा, एक एक का हिसाब लेना। मर्टल पंडित इस बागिन को। हीरो, हीरो, थोड़ी हिम्मत कर यार, चल उठ। चीना, तू ही तो कहता था मुझे मरने के वास्ते जंगल में छोड़ जाए। चीना, चीना मेरे यार, जा चीना, जा हीरो, 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 हीरो। मेरा तुमसे वादा है, तुम्हारी मौत टाइगर के जबड़ों में नहीं होगी। एक एक का हिसाब लेना पंडित। तो उसकी लाश बहुत पहले भी से इसने तेरे लोगों को चुन चुन के मारा है। मार डाल इसे, मार डाल, मार इसे। तू तो सिर्फ हर पंडित तेरा जानता है। तेरा मैं इसको भी वीरा, इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
किसने बोला था सुंदरबन में आके दखल अंदाजी करो? सुंदरबन बाघ का घर है। उदय के घर वो अपने बच्चे को ढूंढते हुए पहुंची थी। मैं एक माँ को बचाना चाहती हूँ और तुम एक माँ को मारना चाहते हो। अपने लक्ष्य को पाकर क्या तुम खुश हो जाओगे? निर्दोष की जान लेना किसी इंसान का लक्ष्य नहीं होता। पहले भी एक बार जाल में फंसाया था इसको, लेकिन एक अनजान फोटोग्राफर ने इसको जाल से छुड़ाया और इस बाघिन को मारने का मौका हाथ से निकल गया। मार। इसका अंजाम तो कुत्ते की मौत से भी बदतर होना चाहिए। इसके बच्चे को छोड़ दिया तो हमारे पास यहाँ से बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बहुत सताया हमने इस मां बच्चे को। सुंदरबन डायरीज डे 15। यहाँ के सारे टाइगर्स मैन ईटर्स नहीं होते, वो तो किसी भी इंसान की तरह अपने परिवार और अपने घर को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इस धरती पे इंसान के अलावा पशु पक्षी और जानवरों का भी हक है। कितनी अजीब सी बात है ना, आग तो हमने बनाई, पड़ोसी का घर भी तो हमने ही जलाया। खून की प्यास इंसान से बढ़कर किसी को नहीं, और मैन ईटर्स का टाइटल हमने बेचारे इस टाइगर को दे दिया।